जय माता की दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाली हूं दोस्तों, मैं ब्रह्म मुहूर्त में 9 दिनों का अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूं, जो असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है, आपके असंभव काम को भी संभव कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, असंभव काम को भी संभव कर सकता है। ये 9 दिन नवरात्रि का चल रहा है दोस्तों, नवरात्रि शुरू है और इस टाइम में अगर आप ये काम करते हैं तो आपकी किसी भी मनोकामना को ये मंत्र पूरा कर सकता है। कैसे करना है, क्या करना है, पूरी बातें इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये जान लें कि मैं इस चैनल पर बहुत तरह के मंत्रों को लेकर आती हूँ। हमारे प्राचीन ग्रंथों में मंत्र जाप के महत्व के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है। प्राचीन वेद ग्रंथों में कई एक मंत्र दिए हुए हैं, सहस्त्र मंत्र दिए हुए हैं जो इच्छा पूर्ति करते हैं। मंत्र का शक्ति का आधार हमारी आस्था से नीत होता है। मंत्र के जाप द्वारा आत्मा, शरीर और समस्त वातावरण शुद्ध हो जाता है। एक छोटा सा मंत्र में इतनी ताकत होती है जो आपके जीवन को बहुत बेहतर कर सकता है। दोस्तों इस तरह के कई एक मंत्र मैं अपने चैनल पर लेकर आती हूँ और जिसकी वजह से आप अपने जीवन में अपने जीवन के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार मंत्रों को चुनकर, अपने सुविधाओं के अनुसार मंत्रों को आप अपने लिए उसकी फायदे को उठा सकते हैं। लेकिन उसके लिए दोस्तों मेरे चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और मंत्रों से अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आज का जो मंत्र है दोस्तों वो मैं बताने जा रही हूँ और जो अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में 9 दिनों का अद्भुत प्रयोग जो असंभव को भी संभव कर सकता है। एक ऐसा पावरफुल मंत्र है दोस्तों जिसका प्रभाव काफी शक्तिशाली है। ये माँ दुर्गा का मंत्र है, चामुंडा मंत्र। अत्यंत ही शक्तिशाली मंत्र है क्योंकि इस मंत्र में 3 देवियों की महाशक्ति समाहित है। वो 3 देवियां हैं दोस्तों, महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी। जी हाँ दोस्तों, ये 3 देवियां देवी हैं आपको पावर की, धन की और विद्या की। जीवन में अगर आपकी विद्या है, धन है और शक्ति है तो आपके जीवन में फिर किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकती है। माँ का स्वरूप ही है विद्या, धन और शक्ति के रूप में, तो साधक को जीवन के इन सभी क्षेत्रों में लाभ होता है इस नवाक्षरी मंत्र का जाप करने से। दोस्तों इस मंत्र में माता के 52 शक्तिपीठों का शक्ति एकाग्र रूप में है। जी हाँ दोस्तों, हमारी नारियों और धमनियों में जो प्राण शक्ति है वो इस मंत्र के द्वारा संचालित होती है। माँ जगदम्बा में आपके चरणों की आराधना कर रहा हूं या कर रही हूं ये कह के अगर आप मंत्र के जाप करते हैं तो आपको ज्ञान, साहस और संपत्ति मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अपने जीवन में अपार संपत्ति के मालिक बनेंगे आप, अपने जीवन में अपार ज्ञान के मालिक बनेंगे आप, साहस तो बढ़ ही जाएगा। तो दोस्तों मंत्र क्या है? मंत्र बहुत ही साधारण है लेकिन इसके प्रभाव बहुत ही चमत्कारी है। और इसे करना कैसे है, क्या करना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों सबसे पहले मंत्र को नोट करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जीवन में सफल होने का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र के कई एक फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं। इस मंत्र के जाप से आपके शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा संचालित होती है। जीवन के हर क्षेत्र में आपको फायदा मिलेगा, आपका भाग्य उदय हो जाएगा अगर इस मंत्र की चैंटिंग आप करते हैं तो। कई लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत तो जरूर करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें उनका मेहनत का फल उतना नहीं मिलता जितना उन्हें मिलना चाहिए। सफलता के लिए साफ मन, मेहनत के साथ साथ भाग्य का होना भी बहुत जरूरी है। यदि आप शुद्ध मन से पूरी मेहनत करते हैं और इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपका भाग्य उदय होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर धन की कमी है आपके जीवन में, ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, उधार वापस नहीं कर पा रहे हैं आप, जीवन में आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो इस मंत्र का जाप तो आप जरूर कीजिए। रोजगार के नए नए अवसर मिलने लगेंगे,
और लाभ इतना होगा कि आपके जीवन में वैभव और संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता, बेफिजूल की बातों में हमेशा वो विचार आपके दिमाग में चलते रहते हैं, तो इस मंत्र के जाप से आपका मन शांत होगा, एकाग्र होगा। स्टूडेंट अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो एग्जाम की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अपने जो भी लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य को आप पूरा कर पाएंगे। मेहनत के साथ भाग्य के मिल जाने से सफलता निश्चित हो जाती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। तो मेहनत के साथ इस मंत्र की जाप जरूर कीजिए और मेहनत कीजिए। अगर बहुत मन अशांत रहता है, जीवन में बहुत अशांति है, कलह है, घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो भी ये मंत्र आपको बहुत फायदा पहुंचाता है। व्यक्ति का मन शांत हो जाता है इस मंत्र के जाप के परिणाम स्वरूप तनाव से दूर हो जाती है, चिंता गायब हो जाती है, साहस बढ़ने लगता है, जीवन में सुख भर जाता है। अगर श्रद्धा पूर्वक आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा सब मिलेगा, ऊर्जा शक्ति का आपके जीवन में प्रवाह होगा, पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास दिखेगी। अगर किसी तरह के नकारात्मक ऊर्जा से आप पीड़ित हैं, कई बार ऐसा होता है कि काला जादू भूत प्रेत की बाधाएं लोगों को चारों तरफ से घेरी रहती है, तो इस मंत्र का जाप करने से, इस मंत्र से उत्पन्न होने वाली शक्ति के भय से इन सारी नकारात्मक चीजों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, वो चीजें आपसे कभी सट भी नहीं पाएगी। दोस्तों अब इस मंत्र को करना कैसे है इसका ध्यान रखिए। इस मंत्र के जाप के लिए आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले, लाल आसन बिछा कर बैठ जाए और माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने बैठ जाए। रुद्राक्ष की माला पे आपको करना है, एक माला प्रतिदिन करें। अगर आप इससे ज्यादा कर पाते हैं तो 1, 3, 5, 9, 11 कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक माला रोज करें। वैसे तो नवाक्षरी मंत्र साधना कभी भी की जा सकती है, लेकिन इसे ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप करते हैं तो बहुत ही फलदायी होगा आपके लिए। नवरात्रि के दिनों में ये 9 दिन अगर आप करते हैं तो आपको कई गुना ज्यादा बढ़कर फायदा मिलता है। लेकिन अगर इन दिनों आप नहीं कर पाते हैं तो आप इसे एक संकल्प के द्वारा करें, 41 दिन तक के लिए शुरू करें, कम से कम आप 41 डेज जरूर करें। किसी भी मंगलवार से आप इस मंत्र की शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी विशेष दिन से शुरू कर सकते हैं आप इस मंत्र को, और माता का ध्यान करते हुए आप इस मंत्र का जाप करें। अगर आप इसे नवरात्रि में करते हैं तो इन दिनों इस मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और आपको बहुत ज्यादा फल देता है। तो दोस्तों आपका भाग्य उदय हो जाएगा अगर इस मंत्र की चैंटिंग आप करते हैं। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में 9 दिनों का ये अद्भुत प्रयोग जो असंभव को भी संभव कर दे जरूर कीजिए। ओम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे करें जाप कि आपके जीवन की हर समस्या दूर हो जाए, बहुत आसानी से आप हर विश को पूरा कर पाएं। आपकी कोई भी असंभव सी विश है उसे लेकर इस मंत्र की जाप करें, मन में रखकर जाप शुरू कर दें और आप देखेंगे कि माता रानी आपकी विश को बहुत जल्दी पूरा करेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो में फिर मिलूंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।